वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए युवाओं को मिलेगा मौका। तो वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए युवाओं को मौका, आज से शुरू हुआ वोटर लिस्ट पुनरीक्षण कार्यक्रम। तो आज से शुरू हो चुका है वोटर लिस्ट पुनरीक्षण कार्यक्रम। 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक चलेगा ये कार्यक्रम। तो युवाओं को वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का मौका है। वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी तक है। वोटर लिस्ट में नाम लाने के लिए भरना होगा आपको फॉर्म। नाम कटवाने के लिए फॉर्म 7 से करना होगा आवेदन। विश्वविद्यालय से कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। बता दें कि वोटर लिस्ट में नाम भरवाने के लिए विश्वविद्यालय से कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई है। कार्यक्रम में डीएम सहित कई अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहे। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए युवाओं को मौका मिला, विश्वविद्यालय से इस कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई है। आज से शुरू हुआ वोटर लिस्ट पुनरीक्षण कार्यक्रम। तो आज से कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई है। 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक चलेगा कार्यक्रम। तो ये कार्यक्रम 27 अक्टूबर से लेकर 9 दिसंबर तक चलाया जाएगा। वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी तक है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। ट्रक ने मारी स्कूटी सवार महिला को टक्कर। तो खबर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। बता दें ट्रक ने स्कूटी सवार महिला को मारा है। एएनएम के पद पर तैनात थी मंजू बिहारी। तो एएनएम के पद पर तैनात ही थी मंजू बिहारी की। हादसे में एएनएम का बेटा भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। तो बड़ा सड़क हादसा हुआ है छिंदवाड़ा में। बेटे के साथ उप स्वास्थ्य केंद्र जा रही थी महिला। बताया जा रहा है कि बेटे के साथ उप स्वास्थ्य केंद्र जा रही थी महिला सड़क हादसे की चपेट में आ गई। एमपी के छिंदवाड़ा में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। ट्रक ने मारी स्कूटी सवार महिला को जोरदार टक्कर, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। मुरादाबाद से खबर है, जहां नटवर लाल अब्दुल्ला पठान पर हुआ मुकदमा दर्ज। बड़ी खबर आपको मुरादाबाद से बता रहे हैं। पुलिस की वर्दी पहनकर वीडियो बनाता था अब्दुल्ला पठान पर केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की वर्दी पहनकर वीडियो बनाता था अब्दुल्ला। तो बताया जा रहा है कि अब्दुल्ला पुलिस की वर्दी पहनकर वीडियो बनाता था। अब्दुल्ला ने पुलिस की वर्दी पहनकर बनाई थी वीडियो, जिसके बाद अब केस दर्ज किया गया है। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा था वीडियो। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया में जमकर ये वीडियो वायरल हो रहा, जहां आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। मुरादाबाद के कुंदरकी थाने में दर्ज हुआ अब्दुल्ला पर केस। रामपुर आजम खां के करीबियों पर इनकम टैक्स की रेड पड़ने वाली है। बता दें कि रामपुर में इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है रामपुर के करीबियों पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, आजम खां के करीबियों से आईटी पूछताछ करेगी। तो अब आजम खां के करीबियों से भी आईटी पूछताछ करेगी। फरत और शाबिज के ठिकानों पर आईटी ने रेड की है। तो बड़ी खबर रामपुर से, जहां पर आजम खां के करीबियों पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। अब आईटी रामपुर में इनकम टैक्स की छापेमारी पड़ी है, तो जिसमें आईटी अब उनके करीबियों से भी पूछताछ करेगी। आजम के करीबियों से आईटी अब पूछताछ करेगी। लखनऊ से, जहां प्रॉपर्टी विवाद में ताई को बनाया बंधक। बीमार होने पर भतीजे ने अस्पताल में कराया भर्ती। तो प्रॉपर्टी को लेकर ताई को बंधक बना दिया। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। बंधक की बेटी लगातार मां से मिलने की कर रही थी कोशिश। किडनैपर लगातार बदल रहा है लोकेशन। तो बताया जा रहा है कि किडनैपर लगातार अपना लोकेशन बदल रहा है। बेटी मां से मिलने पहुंची फहीमा हॉस्पिटल। फहमीना हॉस्पिटल में जमकर हुआ बदल। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। बाजार खाला थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच